हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इनक्वालिटीज चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 के अप टू 15 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी बुक, क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चों क्वेश्चन है, सॉल्व द inequality 2x minus 1 over 3 is greater than equal to 3x minus 2 divided by 4 minus 2 minus x divided by 5. So we have to find the values of x for which this is true. तो बच्चों गिवन दैट, देखिए इधर आप एलसीएम ले सकते हो, 4 और 5 का एलसीएम 20 आ जाएगा। 4 को 20 से डिवाइड किया तो बच्चों 5 बन जाएगा, 5 को ऊपर 3x minus 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इनको डिवाइड किया 4 आ गया, तो 4 को 2 minus x से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये बन जाएगा 2x minus 1 over 3 greater than equal to 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ब्रैकेट को ओपन किया तो ये बन जाएगा ओवर 20। तो बच्चों 2x minus 1 by 3 greater than equal to 15x plus 4x is 19x minus 10 minus 8 is minus 80 over 20। क्लियर सबको? तो बच्चों फिर मैंने बताया था कि इनइक्वालिटी जब होती है, ग्रेटर और लेस के साइन हम क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो बच्चों डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए आपने इन दोनों का एलसीएम देखना है, तो वो क्या आएगा आप चेक कर सकते हो, 3 और 20 का एलसीएम यू कैन चेक, 60 आएगा बच्चों, ठीक है ना, आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका एलसीएम आ गया बच्चों 3 2 2 × 5 6 10 60, तो ये आपका 60 आ गया। तो फिर मैंने बताया था जितना भी एलसीएम होगा दोनों तरफ उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 60, तो 60 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी हैव 60 × 2x − 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 × 19x − 18/20। तो बच्चों 23 का कटिंग हो गई, 320 का 20 को ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 40x minus 20 greater than 57x minus 54. I hope clear है सबको। तो इनको ओपन कर दिया ब्रैकेट्स को, तो बच्चों x वाली टर्म्स कट्ठी कर लेंगे ट्रांसपोज करके, कॉन्स्टेंट टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, तो इनको सॉल्व किया minus 17, तो ये आ गया minus 34। तो बच्चों फिर बता रहा हूं, कभी भी ऐसे नहीं कहना कि minus 17 नीचे ले जाओ, नीचे नहीं लेके जाना, जो भी x का कोफिशिएंट होगा उस उससे दोनों तरफ डिवाइड करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय −17। तो हमने दोनों तरफ −17 से डिवाइड कर दिया। देखिए बच्चों मैं यहां पर लिख रहा हूं −17 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो रूल कहता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर ग्रेटर है तो लेस बन जाएगा, लेस है तो ग्रेटर बन जाएगा। तो माइनस 17 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो नाउ वी हैव एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो एक्स जो है वो क्या है, जहां तो 2 या 2 से छोटा, आप नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, ये 2 कोई पॉइंट है। तो मैंने बताया था कि लेस के लिए आपने एरो लेफ्ट की तरफ शो करनी है, तो लेफ्ट में हमें मिलता है माइनस इनफिनिटी। तो बच्चों इक्वल का मतलब है 2 को इंक्लूड करना है, तो इंक्लूड करना है तो सर्कल बना के उसे डार्क कर दीजिए, ओके। सो देयरफॉर ये x जो है एक रियल नंबर है, रियल नंबर्स के लिए हम इंटरवल्स यूज करते हैं, x बिलोंग्स टू, तो पहले लेफ्ट वाला नंबर माइनस इनफिनिटी, इनफिनिटी कोई नंबर नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 2 को इंक्लूड करना है, इक्वल का साइन लिखा है तो हम क्लोज इंटरवल का साइन लिखेंगे। दिस इज द आंसर। वंस मोर, तो वी हैव टू सॉल्व x।
तो बच्चों पहले मैंने एलसीएम लिया, उसके बाद जो भी एलसीएम आया उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली आपने एक्स निकाला और ये नंबर लाइन पे आपने एक्स शो कर दिया, दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर है सबको बच्चों, काफी आसान क्वेश्चन है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों, राइट ऑन। क्वेश्चन नंबर 17 इज अगेन सेम क्वेश्चन, 18 सेम है, चलो एक कर देते हैं बच्चों, 17 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सोल्व द इनइक्वालिटी 3x माइनस 2 लेस देन 2x प्लस 1 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर 9। हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं बच्चों, देखो तो सबसे पहले एक्चुअली टर्म्स ट्रांसपोज कर सकते हैं और कांस्टेंट को एक साइड पे ले जा सकते हैं, तो वी हैव 3 माइनस 1 1x इज लेस देन 3। तो बच्चों x जो है 3 से छोटा है, लेस के लिए एरो लेफ्ट को, यहाँ पे माइनस इनफिनिटी, ये सर्कल को डार्क नहीं करना, क्यों नहीं शेड करना, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं करना, इक्वल का साइन नहीं है, x बिलोंग्स टू, तो पहले लेफ्ट वाला, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी में इंटरवल ओपन रखते हैं, वो इक्वल नहीं है तो 3 को इंक्लूड नहीं करना, फिर ओपन इंटरवल, तो दिस इज आंसर एज वेल एज सॉल्यूशन ऑफ द नंबर 9। क्लियर है सबको बच्चों, वेरी इजी सम। नेक्स्ट सम बच्चों 19-20 बिल्कुल सेम है, तो मैं 20th करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20th, सॉल्व द इनइक्वालिटी x बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x माइनस 2 ओवर 3 माइनस 7x माइनस 3 ओवर 5 एंड शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन इन द नंबर लाइन। तो बच्चों फिर सेम, सबसे पहले आपने यहां पे 3 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आ गया, 3 को 15 से डिवाइड किया, 3 5 का 15, 5 को 5x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 का 15, 3 बचा, तो 3 को 7x माइनस 3 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों नाउ वी हैव x ओवर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25x माइनस 10, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो वी हैव x ओवर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 माइनस 21 4x माइनस 10 प्लस 9। तो बच्चों अगेन 2 और 50 का एलसीएम लेना, हमें पता है एलसीएम और 2 एंड 15 यू कैन चेक 30 आ जाएगा, तो दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 30, तो 30 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं होगा, तो उसके लिए दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई किया, तो यू कैन चेक डिनोमिनेटर दोनों तरफ खत्म हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी, तो दैट्स व्हाई 2 को अंदर लेकर गए। नाउ वी हैव 15 माइनस 8 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, 7 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो मैंने लिखा नहीं है, आपने लिखना है, तो 7 से दोनों तरफ डिवाइड किया, पॉजिटिव नंबर है, साइन चेंज नहीं हुआ, 7 नीचे नहीं लेके जाना, बोला ऐसे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 7, तो क्या करोगे बच्चों नंबर 9, x ग्रेटर माइनस 2 बाय 7, x इज ग्रेटर देन माइनस 2 बाय 7, ग्रेटर के लिए बच्चों एरो राइट को प्लस इनफिनिटी, समझ लगी सबको, तो माइनस 2 से बाय 7 इक्वल्स का साइन है, तो इक्वल में हम क्या करते हैं, इसको शेड करते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 2 बाय 7 भी आएगी, तो इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे, पहले लेफ्ट वाला नंबर लिखते हैं, लेकिन माइनस 2 बाय 7 इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल वाला साइन डालना है, ये ब्रैकेट, इनफिनिटी कोई नंबर नहीं है, इसको हम पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए इसको ओपन इंटरवल में रखना है, तो दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर है सबको, क्योंकि काफी आसान सम्स हैं, फाइन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 आर एग्जैक्टली द सेम, कम टू क्वेश्चन नंबर 21, एग्जैक्टली सेम है,
रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट, he should get in the third test, in the third test to have an average of at least 60 marks. So, bachcho, Ravi obtained 70 and 75 marks in the first two unit tests. We have to find the number of minimum marks he should get in the third test to have an average marks of at least 60 marks. What it mean? So suppose that let Ravi obtained X marks in the third unit test. Suppose Ravi ne third test mein X marks suppose kiye kyunki wo to bachcho mein nikalne hain. वो फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन एवरेज. एवरेज जो है उसकी बच्चों 60 एटलीस्ट 60. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट 60 या 60 से ज्यादा. जब हम कहते हैं कि आपके कम से कम एटलीस्ट 60 तो आने चाहिए तो इट मींस मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं 60 और 60 से ज्यादा. तो 60 और मोर देन 60 तो एवरेज इज गिवन टू बी 60 मार्क्स और मोर देन 60 मार्क. तो जब भी एट लीस्ट वर्ड देखोगे आपने ग्रेटर का साइन डालना है. तो बच्चों एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी मार्क्स को प्लस करो और नंबर ऑफ मार्क्स से डिवाइड कर दो. तो वी हैव थ्री सब्जेक्ट्स, थ्री टेस्ट, वन टू, थर्ड वन इज एक्स. तो थ्री हो गए, थ्री से डिवाइड कर दो. जितने सब्जेक्ट्स हैं, जितने हैं उनको उतने नंबर से डिवाइड कर दो. दिस इज मेथड टू फाइंड एवरेज. आई होप क्लियर सभी को. तो बच्चों वी हैव 145 प्लस एक्स ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60. क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, ये 3 को उधर नहीं लेके जाना. हम कह सकते हैं 3 खत्म करने के लिए. अब 3 नीचे है तो हम कहेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. अगर वो ऊपर होता हम बोलते हैं डिवाइड बाय 3. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3. 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा बच्चों. तो दिस इज 3 into 145 plus x over 3. दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो now 3 से 3 कैंसिल हो गया 180. तो बच्चों 145 ट्रांसपोज करेंगे कितना आ जाएगा 35. सो रवि शुड ऑब्टेन 35 मार्क्स और मोर टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स. दिस इज द आंसर. रवि को कम से कम 35 मार्क्स लेने हैं, जहां तो 35 से ज्यादा लेने हैं तो फिर उसकी जो एवरेज मार्क्स होंगे वो 60 या 60 से प्लस होंगे. आई होप क्लियर सबको. काफी आसान सम्स हैं. नेक्स्ट सम वी हैव बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल सेम है. ओके आप खुद ट्राई करेंगे, ट्राई योरसेल्फ. इसमें आपको 3 मार्क्स है, उसमें आपको बच्चों 4 मार्क्स है. तो एवरेज निकालने के लिए सभी मार्क्स को प्लस करेंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो है उनसे डिवाइड कर देंगे. तो क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 24 exactly same but very very important questions. Find all pairs of consecutive, find all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller
then 10 such that their sum is more than 11. So we have to find all pairs. Pairs matlab jode mein do numbers hai na pair. Consecutive kaun se hote hain? Saath saath wale. Odd consecutive kaun se hote hain? Bachcho odd consecutive 1 and 3. These are two odd consecutive integers. Theek hai bachcho? To positive hai to humne negative ko nahi diya. 3 and 5 ho sakte hain. 5 and 7 ho sakte hain. Aise bahut sare ho sakte hain. But we have to find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. So, bacho, manually nahi find karna ki answer aa gaya. Hum linear inequalities kar rahe hain, to hume inequality ka concept hi nikalna hai. So, let us suppose that we have two. Dekhiye, agar ek number 1 hai, to second consecutive odd kaise mila? Isme 2 plus karke. Agar 3 hai, to second uska pair kaise mila? Usme 2 add karke. तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर x plus 10 होगा तो let x and x plus 2 क्योंकि एक अगर 1 है उसमें 2 plus करके next consecutive odd नंबर आ रहा है तो अगर एक x है तो दूसरा x plus 2 होगा तो let x and x plus 2 be 2 consecutive positive odd integers But so given that both of which are smaller than 10, according to given, both numbers are smaller than 10. Ye number bhi 10 se chota hai, and ye number bhi 10 se chota hai. Dekhiye bacho, x bhi 10 se chota hai. Yahan se x kitna aaya? 10 minus 2, 8 se chota hai. So how is it possible? So x jo hai, 10 se chote numbers hai. ये बोल रहे कि x जो है 8 से छोटे नंबर से तो दोनों को सेटिस्फाई करो तो बच्चों हमें कहना पड़ेगा क्योंकि ये भी x है ये भी x है तो कोई भी x जो 10 से भी छोटा है 8 से भी छोटा है तो छोटे के लिए लेफ्ट को एरो ओके सो x इज लेस देन 10 मींस इधर वाले नंबर्स लेफ्ट को x इज लेस देन 8 लेफ्ट को नंबर लेकिन जैसे ही ये 10 8 के पास बच्चों पहुंच गया तो दोनों कॉमन हो गए क्योंकि दोनों सेम है ये भी x है ये भी x है तो x इज लेस देन 10 लेफ्ट को जा रहा है x लेस देन 8 लेफ्ट को जा रहा है तो जैसे ही ये इकट्ठे हो गए तो कॉमन क्या आ गया ये n में कॉमन वैल्यू तो वी हैव टू से x इज लेस देन 8 समझ लगी सबको स्टोर कर लो वन x इज लेस देन 10 लेफ्ट को सारे नंबर्स x लेस देन 8 लेफ्ट को सारे नंबर लेकिन जैसे ही ये 10 8 के पास आया तो ये दोनों पैरेलल हो गए तो कॉमन वैल्यू क्या होगी दोनों की x is less than 8 क्योंकि एक टाइम पे x 8 से भी छोटा 10 से भी छोटा दोनों को सेटिस्फाई करना है तो दैट्स व्हाई कॉमन आ गया x less than 8 स्टोर कर लो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन बचो सच दैट देयर सम इज मोर देन 11 दोनों नंबर्स का सम जो है इट इज मोर देन 11 तो बच्चों वी हैव 2x plus 2 वी हैव x इज ग्रेटर देन 9 by 2 2 से डिवाइड नहीं 2 से डिवाइड किया उसके बाद नीचे नहीं लेकर गया तो बच्चों वी हैव फ्रॉम 1 एंड 2 ये बोल रहे कि x जो है 8 से छोटा है और बच्चों ये बोल रहे कि x जो है 9 by 2 से बड़ा है ये देखो x इज ग्रेटर देन x is greater than 9 by 2 इनको इकट्ठा करके लिख लिया it is saying that x is less than 8 ये रहा x less than 8 तो ये बोल रहा है कि x greater than 9 by 2 तो बच्चों इकट्ठा करके लिख लिया but हमें given क्या है x एक तो integer है x एक तो integer है और साथ में x क्या है एक odd है तो बच्चों integer भी होना चाहिए odd भी होना चाहिए तो वो x find करिए जो 4.5 से बड़े 9 by 2 कितना होता है 4.5 it implies that x is greater than 4 by 5 and less than 8 but x is positive odd integer so
एक्स 4.5 से बड़े इंटीजर्स लेने हैं, पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते, तो 4.5 से बड़े नंबर कौन से हैं? ओड। बच्चे 5 भी है 6 नहीं है क्योंकि ओड चाहिए, 7 भी है 9 क्यों नहीं लिया क्योंकि 8 से छोटे लेने हैं, तो एक्स 5 एंड 7 जो 4.5 से बड़े ओड इंटीजर्स हैं एंड 8 से छोटे इंटीजर्स हैं, तो दूसरा नंबर क्या है? एक्स प्लस 2। अगर एक्स 5 है तो एक्स प्लस 2 क्या होएगा? 7। अगर x 7 है तो बच्चों x plus 2 क्या होगा? 9। अगर ये 5 है इसमें 2 plus कर दो, अगर x 7 है तो 2 plus कर दो, तो पियर्स कौन से बन गए? देखिए एक 5 है एक 7 है, एक बच्चों 7 है उसका दूसरा पियर 9 है, सो दिस इज द आंसर। समझ लगी सबको? तो वी हैव बोथ नंबर्स आर लेस देन 10 देखिए एंड देयर सम 5 plus 7, 12, more than 11. अब क्लियर हो गया सबको? तो मैनुअली हो सकता था पर करना ऐसे ही है, क्लियर? ओके तो बच्चों नेक्स्ट सम 24 बिल्कुल सेम, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन ट्राई योर सेल्फ। थोड़ा सा बता देता हूं आपको, 24th फाइंड ऑल pairs of consecutive even positive ठीक है बच्चों integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23। तो बच्चों करवा देता हूं, प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी के दो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो वी हैव अगेन पेयर्स ऑफ कंसेक्टिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे इवन कौन से होते हैं? पॉजिटिव इवन 2 एंड 4, 4 एंड 6, अगेन इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, तो वी हैव सपोज दैट x एंड x plus 2 बी 2 पॉजिटिव even integers according to the first condition both of which are larger than 5। बच्चो x is greater than 5 and second number is also greater than 5, it implies that यहां से x निकाल लो बच्चो, 2 ट्रांसपोज कर दिया, जब दोनों तरफ माइनस 2 कर दिया एक ही बात है, तो so एक टाइम पे x 5 से बड़ा और 3 से बड़ा, बच्चों 3 से बड़े नंबर राइट को आएंगे, 5 से बड़े नंबर राइट को आएंगे, तो जैसे ही ये 3 5 के पास पहुंचा दोनों सेम हो गए, तो कॉमन क्या गया? 3 से बड़े राइट को जा रहे हैं, 5 से बड़े राइट को जा रहे हैं, तो यहां पे पहुंचकर दोनों सेम हो गए, तो कॉमन क्या आ गया? x इज ग्रेटर देन 5, इसको स्टोर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू second condition such that their sum is बच्चों sum of the numbers is less than 23, we have 2x 2 transpose कर दिया, जब minus 2 कर लो दोनों तरफ एक ही बात है, तो we have 21, दोनों तरफ 2 से divide किया, साइन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये पॉजिटिव है बच्चों, तो देयरफॉर एक्स इज लेस देन 10.5 फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए एक्स तो है 5 से बच्चों बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन 5, एक ही बात है, सेम है, एक्स की तरफ मुंह खुला है, यहां भी एक्स की तरफ मुंह खुला है, बट एक्स इज लेस देन 10.5, तो एक्स क्या है? 5 से बड़ा नंबर और बच्चों 10.5 से छोटा, बट x क्या है? इट इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो x इज व्हाट? 5 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से बच्चे? 6, 8 एंड 10, 10.5 से छोटे इंटीजर्स, तो 10.5 से छोटे 5 से बड़े इवन इंटीजर्स 6, 8 एंड 10,
तो बच्चों corresponding to the values of x, x plus 2 की values कितनी है, इसके लिए 2 plus कर दिया 8, इसके लिए 10, इसके लिए 12, तो बच्चों peers क्या आ गए, peers, देखिए बच्चों 1 आ गया peers 6, 8, 8 peer 8, 10 and 1 peer is, तो this is the answer, I hope समझ आई सबको, okay, so बच्चों we have done question 24 और exercise 6.1, 25, 26 आप try कर सकते हो. नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 6.2 ग्राफ समझाएंगे, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप समझ लगी सबको, तो आज इनको प्रैक्टिस करिए, ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.